नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुभा कपिल और स्वागत है आप सभी का क्रेजी कुकिंग विद अनुभा में। और फ्रेंड्स, आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूं मैं सभी का ऑल टाइम फेवरेट बटर स्कॉच केक की रेसिपी। काफ़ी टाइम से डिमांड आ रही थी इस केक की रेसिपी की, तो आज मैं इसको शेयर करने जा रही हूं। आशा करती हूं वीडियो आपको पसंद आएगी, रेसिपी पसंद आएगी। बहुत आसान और सिंपल रेसिपी है, सब कुछ हम आपके सामने बनाएंगे जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट, बिल्कुल भी मुश्किल रेसिपी नहीं है। एक बार जो ट्राई करके देखिएगा, यदि रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक देके जाइएगा। और चैनल के कंटेंट यदि आपको मेरे पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं रेसिपी की ओर। तो ये मैंने लिया है प्रीमिक्स, ये वनीला प्रीमिक्स है और मैंने ये नाप कर छान कर 180 ग्राम प्रीमिक्स ले लिया है। ये यदि आप मैदे से बनाना चाहते हैं तो वो रेसिपी चैनल पर अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूँगी, आप वो देख सकते हैं। तो मैंने इस प्रीमिक्स को छान लिया है 180 ग्राम प्रीमिक्स को। और फ्रेंड्स, ये 1 pound का केक है, इसे मैंने 180 ग्राम प्रीमिक्स लिया है। 180 ग्राम से 200 ग्राम तक प्रीमिक्स आप ले सकते हैं। और अब हम इसमें मिलाएंगे पानी। पानी जैसा आप शायद याद ही आपको कि मैं हमेशा अंदाजे से डालती हूँ पानी, कभी भी नाप के नहीं डालती हूँ। मैं सिर्फ इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है उसके हिसाब से पानी डालती हूँ। लेकिन यदि आप बिगिनर हैं, आपको भी अंदाज़ा नहीं है इतना, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जितना हमारा प्रीमिक्स है लगभग उसका लगभग आधा हमारा इसका पानी इसमें जाएगा। तो मैं तो नापा नहीं, यदि आप नाप के लेना चाहते हो नाप कर देख लीजिए। बस आपको देखना होगा इसी कंसिस्टेंसी को, इसी कंसिस्टेंसी की पहचान करनी होगी, फिर आप बिना नापे ही पानी ले सकते हैं। तो अभी देखिए, मैंने इसको थोड़ा सा पानी डालती रहूँगी, मिलाऊँगी साथ साथ में, थोड़ा सा इसमें मिलाऊँगी बटर स्कॉच एसेंस की कुछ बूंदें। बटर स्कॉच है ये फ्लेवर, तो उसका फ्लेवर आना चाहिए। साथ में चुटकी भर है ये येलो फूड कलर, येलो जो होता है कलर फूड एसेंस, सॉरी एसेंस के साथ साथ मैंने कलर भी डाल दिया है। और ये ऑप्शनल है, यदि आप नहीं डालना चाहें तो कोई बात नहीं, आपके पास जैसा भी कलर है। यदि आपके लिक्विड कलर है वो डाल सकते हैं, वाटर कलर है तो डाल सकते हैं, यदि ये ड्राई कलर है ड्राई डाल सकते हैं, या तो फिर जैसे आपके पास यदि ये कोई सा भी कलर है जेल कलर है तो वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास वैसे तीनों कलर्स हैं पर मैंने इसमें ड्राई कलर डाला। और अभी हमें इसको मिक्स करना है, अभी कंसिस्टेंसी इसकी प्रॉपर नहीं है, थोड़ा पानी इसमें और डलेगा। उसको भी मिक्स करते हैं, इसको बिल्कुल भी लंप्स फ्री बनाना है बैटर को हमें। तो देखिए फ्रेंड्स, जहाँ सभी लंप इसके अंदर नहीं रहना चाहिए, गुठली नहीं रहनी चाहिए, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी थोड़ी फ्लोइंग और रिबन लाइक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जब इसे पॉर करेंगे हम कंटेनर में तब मैं आपकी कंसिस्टेंसी को एक बार और दिखा दूँगी। इसमें मिलाएंगे हम 1 tablespoon ऑयल, बिल्कुल खुशबू वाला ऑयल नहीं होना चाहिए, बिना खुशबू वाला ऑयल होना चाहिए। उसको फिर से अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। तो चलिए फ्रेंड्स, बैटर हो चुका है रेडी। बीच बीच में इसको हम स्पैचुला से इस तरह से इकट्ठा भी करते रहेंगे और उसको इस तरह से मिक्स करते रहेंगे। तो ये एकदम रेडी हो चुका है। और मैंने लिया है 6 inch का ये टिन, और इसको मैंने नीचे लगाया है बेकिंग पेपर, साइड से अच्छे से मैंने ग्रीस कर दिया है। और अब हम इसको पोर करेंगे इसमें। तो फ्रेंड्स, आप कंसिस्टेंसी एक बार देख लीजिए। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी, देखिए कंसिस्टेंसी रिबन लाइक कंसिस्टेंसी बोलते हैं इसको। और फ्रेंड्स, मैंने इसको माइक्रोवेव में बना सकते हैं, इसको आप गैस स्टोव पर बना सकते हैं, ओवन में बना सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। सभी रेसिपी चैनल पर अवेलेबल है, लेकिन मैं इसको बना रही हूँ मैं ओवन में। और मैंने ओवन को 170 डिग्री टेम्परेचर पर प्रीहीट कर लिया है पहले से ही। और अब उसको मैं इसको रखूँगी बेक होने के लिए लगभग 30 मिनट के लिए। तो चलिए इसको करते हैं, इसको अच्छे डालकर और अच्छे से टैप कर देंगे ताकि कोई एयर बबल इसके अंदर ना रहे। और इसको हम रख देंगे बेक होने के लिए, मिलते हैं उसके बाद। फ्रेंड्स, जब तक हमारा केक बेक होता है तब तक हम कर लेते हैं बाकी की तैयारियां। तो मैंने ले लिया है 1/2 cup पानी, इसमें मैंने चीनी मिक्स कर लिया, थोड़ी सी पिसी हुई चीनी थी वो जल्दी से मिक्स हो गई। और इसमें कुछ बूंदें डालेंगे हम ये बटर स्कॉच एसेंस की, 2-3 बूंदें बस। और साथ में मैं डालूंगी ये बटर स्कॉच क्रश, थोड़ा सा डालेंगे ये भी, इससे इसका फ्लेवर अच्छा आएगा, खुशबू बहुत अच्छी आएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। बस इसको मिक्स करके हम तैयार करके रख लेते हैं, इसको रख देते हैं साइड में, चल ये करते हैं बाकी और प्रिपरेशन। तो चलिए अब बना लेते हैं बटर स्कॉच का क्रंच। तो मैंने ले लिया है एक नॉनस्टिक पैन, आप प्लीज़ नॉनस्टिक पैन ही लीजिएगा। और उसमें मैं 1 cup चीनी डाल रही हूँ, मैं ज़्यादा बना रही हूँ क्योंकि मैं इसको थोड़ा स्टोर करके रख लेती हूँ, फिर कभी भी काम आ जाता है ये जो हमारा क्रंच होता है। और ये कई महीनों तक भी ख़राब नहीं होता, इसको आप फ्रिज में रख सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए क्या करना है, आप थोड़ा कम भी बना सकते हैं। मैंने आपको बताया मैं थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ, तो मैंने 1 cup डाली चीनी। और इसको अभी हम कुछ भी नहीं करेंगे, छेड़ेंगे नहीं, मैंने गैस की फ्लेम अभी ऑन कर दी है, फुल है। और इसको अभी अपने आप से ही इसको मेल्ट होने देते हैं। वैसे तो मैं बहुत सारी रेसिपीज़ में ये आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, पर आज स्पेशल शेयर कर देती हूँ। और जब तक ये खुद से मेल्ट नहीं होता तब तक हम इसमें स्पैचुला वगैरह कुछ भी नहीं लगाएंगे, बस वेट करेंगे थोड़ा सा इसकी मेल्ट होने की। बस 1-2 मिनट ही लगेगी इसको मेल्ट होने में। अब देखिए थोड़ा थोड़ा मेल्ट होना शुरू हो गया है। अब इस स्टेज पर हम सिर्फ पैन को हिलाएंगे, कुछ भी इसके अंदर स्पून वगैरह नहीं लगाएंगे अभी भी। तो देखिए, अब जब आपको लगे कि चीनी मेल्ट होने लगी, काफ़ी मेल्ट हो चुकी है, अब हम इसमें स्पैचुला डाल सकते हैं। और इसको थोड़ा बीच में करेंगे और गैस की फ्लेम अभी हम लो कर देंगे। ये बहुत जल्दी जल भी जाता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा प्लीज़।
तो चलिए अभी से अच्छे से मेल्ट कर देंगे गैस की फ्लेम। अभी मैंने बिल्कुल लो की हुई है ताकि जले भी नहीं। यदि आपकी फ्लेम ज़्यादा तेज लग रही है तो आप एक दो सेकंड के लिए फ्लेम को बंद भी कर सकते हैं और इसको चीनी को अच्छे से मेल्ट कर देंगे पूरी तरह से। तो देखिए चीनी मेल्ट होने लगी है। अब इसमें कुछ ड्रॉप्स डालेंगे हम बटर स्कॉच एसेंस की, और अब इसमें डाल देंगे हम एक टेबल स्पून बटर। बटर आप सॉल्टेड अनसॉल्टेड कैसे भी ले सकते हैं, और इसको अच्छे से कर लेते हैं मेल्ट। तो लीजिए हमारे क्रंच रेडी है, बटर अच्छे से पिघल चुका है। और ऐसा करने से पहले आप एक बार किसी या तो एल्युमिनियम फॉइल पर या बटर पेपर पर ग्रीस लगा रख लीजिए, या तो फिर एल्युमिनियम या तो फिर सिलिकॉन शीट रख लीजिए इसको स्प्रेड करने के लिए। तो मैंने ये शीट लगा रखी हुई है पहले से ही सिलिकॉन वाली, इस पे इसको स्प्रेड कर देंगे अच्छी तरह से। और लीजिए बस इसको अच्छे से फैला देंगे और इसको भी ठंडा होने देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स जब तक वो हमारा ठंडा होता है क्रंच, हम बटर स्कॉच सॉस भी बना लेते हैं। मैंने फिर से आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा डाल दिया चीनी और इसको बस मेल्ट सब तरफ बिखेर दिया और गैस ऑफ कर दिया है ऑन। इसको भी मेल्ट होने का वेट करते हैं। तो इसको भी सेम प्रोसेस हम इस पहले मेल्ट करेंगे और फिर इसमें उसी तरह से हम बटर मिलाएंगे। ये मेल्ट हो चुका है, इसमें डालेंगे हम बटर। और इन सब के अच्छे से मेल्ट होती है हम इसमें मिला देंगे व्हिपिंग क्रीम, या तो फिर जो हमारी वो आती है ना फ्रेश क्रीम वो मिला सकते हैं। ये बनाएंगे हम इसकी बटर स्कॉच सॉस और इसको फिर अच्छे से चलाएंगे। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, ऐसा लगेगा कि ये जम गई या इसमें ये दाने वाने पड़ गए, ऐसा कुछ नहीं। थोड़ी देर चलाएंगे तो ये अपने आप से ही स्मूथ हो जाएगी, सॉस बन जाएगी इसकी। और गैस स्टोव की फ्लेम रखती है एकदम लो। और देखिए फ्रेंड्स आपको ऐसा लगेगा कि जम गया साइड कैसा होगा, कैसे निकलेगा, लेकिन आप बिल्कुल भी परेशान ना होए, इसको लगातार चलाते रहें, ये इसमें आराम से मेल्ट हो जाएगा और इसकी बहुत अच्छी सी कंसिस्टेंसी वाली सॉस बन जाएगी। और फ्लेम रखेंगे हम इसकी लो टू मीडियम। तो देखिए अभी धीरे धीरे स्मूथ कंसिस्टेंसी माने लगी है, बस लगातार चलाते रहना है इसको। तो लीजिए फ्रेंड्स हमारी बटर स्कॉच सॉस घर में बनकर तैयार है, बहुत अच्छी सी कंसिस्टेंसी आ चुकी है। और अब इसको इसमें चाहें तो आप थोड़ा सा बटर स्कॉच एसेंस भी डाल दीजिए और बस इसको रख देते हैं साइड में। और चलिए अब बढ़ते हैं केक डेकोरेशन की ओर। फ्रेंड्स मैंने कंच उठाया और देख सकते हैं एकदम आराम से उठ गया ये। और इसको अब हम पीसेस कर लेंगे और किसी भी जो पीसने वाले ये होते हैं ओखली वगैरह किसी चीज़ में डालकर इसको तोड़ लेंगे और इसके हम थोड़े पीसेस कर लेते हैं, क्रंच बना लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने छोटे बड़े पीसेस कलेक्ट कर लिए। और अभी क्या करेंगे, हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लेंगे और इसको इसके अंदर डाल देंगे, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, बिल्कुल थोड़ा सा। उससे क्या होगा, क्योंकि शुगर है और ये एयर के कॉन्टैक्ट में आते ही एकदम से ह्यूमिडिटी क्रिएट हो जाएगी और ये थोड़ा सा मॉइस्चर क्रिएट कर देगा। इसलिए थोड़ा सा इसमें ये लगा लीजिए आप कॉर्नफ्लोर और इसको अच्छे से मिलाकर किसी एयरटाइट कंटेनर में रख दीजिए। और ये आपकी छः सात महीने तक भी चल सकेगी, ख़राब नहीं होगी। तो ये बता दें मैंने छोटा सा एक टिप आपको ये क्रंच सुरक्षित रखने का, एक बार बना के रख लीजिए फिर कभी भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रोसेस के लिए। फ्रेंड्स केक ठंडा हो चुका है, अब इसको हम कर लेते हैं डिमोल्ड। उतर गया इसका पेपर भी और देख सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छे से बेक हो चुका है। अब इसकी कर लेते हैं कटिंग, ऊपर का पार्ट कट करके इसकी 3 लेयर्स कट कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मैंने 3 लेयर्स कट कर ली हैं, देख सकते हैं कितना स्पॉन्जी है। इसकी जाली को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अब मैंने ले ली व्हिपिंग क्रीम और इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करने जा रही हूँ ये बटर स्कॉच क्रश, इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ओके और इसको अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। अब केक को करते हैं असेंबल। तो थोड़ी सी क्रीम बना लेती हूँ ऊपर केक बोर्ड पर और फर्स्ट लेयर रखती हूँ उस पर। ले लिया मैंने शुगर सिरप इसमें, और इस शुगर सिरप में मैंने आपको पहले दिखाया था, मैं थोड़ा सा क्रश डाला है इसके अंदर और इसको अच्छे से हम मॉइस्ट कर लेते हैं। क्रीम फैलाएंगे, थोड़ा सा बटर स्कॉच क्रश डालेंगे इस पर, और थोड़ा सा जो हमने बटर स्कॉच का क्रश बनाया था ये क्रंच इसको ऊपर फैलाएंगे। और इसी तरह से करते हुए मैं 3 और लेयर्स इसमें रिपीट कर दूंगी। तो फ्रेंड्स अब मैंने इसी कर लिया क्रम कोटिंग और इसको रख देती हूँ फ्रिज में 10-15 मिनट के लिए। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी इसलिए मैं सारे प्रोसेस थोड़े शॉर्ट में दिखा रही हूँ। और इसको मैं थोड़ी देर रखने के बाद फाइनल कोटिंग कर लेंगे इसकी। इसलिए मैंने इसकी फाइनलाइजिंग कर दी है, एक तरफ से येलो कलर लगा दिया, एक तरफ से ब्लू कलर, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, अब लेना है ये कैरेमल सॉस। कैरेमल सॉस को मैंने ट्रांसफ़र कर लिया एक पाइपिंग बैग में और थोड़ा थोड़ा इसमें ड्रिपिंग करेंगे इससे हम। और आप चाहें तो इसको ना पीछे फिलिंग में भी ला सकते हैं, मैंने फिलिंग में नहीं लगाया पर मैं इसको ड्रिपिंग में यूज़ कर रही हूँ। इससे थोड़ी ड्रिपिंग करेंगे, थोड़ा
इस तरह से थोड़ी थोड़ी धूप पर ड्रिपिंग करते रहेंगे, हल्की हल्की ड्रिपिंग है बस। इसका एक समझो कि हम इसका बॉर्डर बना रहे हैं इससे, साथ में थोड़ी सी मैंने इस ड्रॉप्स में बना दी इसकी। अब देखिए सचमुच क्या हुआ, आप देख सकते हैं मैंने ड्रिपिंग कितनी अच्छी अच्छी चीज़ में ड्रॉप्स में लगाई थी, बट कैरमल शायद थोड़ा लूज़ हो गया और वो सारा इस तरह से बह गया। अब देखिए अब क्या करें, अब ये आप मुझे तो लग रहा है ये कैरमल वाला आइडिया मेरा सही नहीं था, तो यदि आप कैरमल वाला कर रहे हैं तो प्लीज़ आप थोड़ा लूज़ ना बनाएं, थोड़ी सी उसी कंसिस्टेंसी पर ध्यान दीजिएगा। तो अभी क्या है, अब ठीक तो करना ही है ना मुझे, तो मैंने साइड में फ्लावर्स तो बना दिए, वाइट कलर की वाली मैंने व्हिपिंग क्रीम, उसमें थोड़ा सा मैंने ये ब्लू कलर का ड्रॉप डाली और बना दी व्हिपिंग क्रीम से, इसके लगा दिए फ्लावर्स। अब इसका भी मुझे किसी से कुछ ना कुछ तो करना ही है ना, तो चलिए कुछ ना कुछ करेंगे इसका भी। तो देखिए मैंने क्या किया, जितना भी नीचे बहकर आ गए थे साइड सॉस मैंने कलेक्ट कर लिया अलग, और अब मुझे साइड से इसको एट्रैक्टिव बनाना है और अच्छा टेस्ट तो देना ही है। तो मैंने लिए हमारे जो क्रंच थे स्कॉच वाली, मैं वैसे पहले भी साइड में लगाने वाला मेरा आइडिया था, तो पहले भी साइड को इससे इस तरह से इसकी जो वॉल्स हैं इस पर इस तरह से गार्निश करूँगी इनसे। ये मेरा आइडिया पहले भी था पर मुझे ये पता नहीं था इस तरह की ड्रिपिंग होगी। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये इसलिए भी दिखा रही हूँ कि यदि आपका ऐसा कुछ होता है तो कोई बात नहीं, थोड़ा हम इसको ठीक करने की भी क्षमता रखनी चाहिए इसको, तो कोई बात नहीं हम इसको इस तरह से ठीक करेंगे। तो चलिए ये पार्ट मैंने अभी कवर कर लिया, आप बढ़ते हैं दूसरी साइड में। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत तामझाम करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत दिमाग लगाने के बाद मैंने इसको इस तरह से डेकोरेट कर लिया है। केक को टॉपर्स लगा दिए थे, टॉपर्स लगा दिए थे, फिर मैंने स्प्रिंकलर्स लगा दिए, साइड में ये बॉर्डर बना दिया और इस तरह से जो बिगड़ा हुआ केक था उसको मैंने ठीक करने की कोशिश की। और ये मेरी कोशिश कहाँ तक सफल हुई है आपको ज़रूर बताना है मुझे, और ये केक अब बनकर कैसा लग रहा है ये भी बताइएगा फ्रेंड्स। तो ये केक बनकर हो गया है रेडी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, जल्दी लेकर आती है एक नई वीडियो, तब तक के लिए की बची हुई वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।